दोस्तों जो गर्भवती महिलाएं 9वें महीने से गुजर रही हैं, यानी कि जिनका डिलीवरी का समय पास आ गया है और वह सोचती हैं कि उनको कैसे पता चलेगा कि उनका प्रसव का समय नज़दीक आ गया है, खासकर वह महिलाएं जो पहली बार बच्चे को जन्म देने वाली हैं, उनके मन में ज़्यादा उलझन होती है। और ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि प्रसव के लक्षण सभी गर्भवती महिलाओं में एक जैसे हों, बल्कि हर गर्भवती महिला के प्रसव के लक्षणों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। साथ ही गर्भवती महिला की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है, इससे पहले महिला के शरीर में कुछ लक्षण महसूस होते हैं जिनसे ये अंदाज़ा लगाने में आसानी होती है कि प्रसव होने वाला है या फिर प्रसव होने में कम समय रह गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 8 लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिनसे गर्भवती महिला घर बैठकर खुद से अंदाजा लगा सकती है कि उनका प्रसव का समय नज़दीक आ गया है। सबसे पहला है दर्द भरे संकुचन होना। यदि गर्भवती महिला को थोड़ी थोड़ी देर में दर्द भरे संकुचन का अनुभव करे और धीरे धीरे यह संकुचन लंबे समय के लिए और ज़्यादा दर्द भरे होने लगे, तो इसका मतलब होता है कि यह लेबर पेन है। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके गर्भवती महिला को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। माहवारी की तरह पेट में दर्द और ऐंठन होना। डिलीवरी का समय पास आने पर यदि महिला को पेट में दर्द और ऐंठन की समस्या पीरियड्स की तरह होने लगे, तो समझ जाइए कि प्रसव पीड़ा की शुरुआत हो गई है और अब आपका नन्ना मुन्ना आपके पास आने वाला है। म्यूकस प्लग का बाहर निकल आना। अगर गर्भवती महिला देखे कि म्यूकस प्लग बाहर आ गया है, म्यूकस प्लग एक गाढ़ा चिपचिपा बलगम की तरह होता है, अगर वह गर्भवती महिला के प्राइवेट पार्ट से बाहर आ जाए, यानी कि ये साथ में ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर ये रंगहीन भी हो सकता है, तो गर्भवती महिला खुद से ये महसूस कर सकती है, तो इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रसव होने का लक्षण हो सकता है। एमनियोटिक थैली का फटना। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि गर्भ में शिशु एमनियोटिक थैली यानी एमनियोटिक सैक में रहता है और पूरी गर्भावस्था के दौरान शिशु का विकास एमनियोटिक थैली में ही होता है। और अगर एमनियोटिक थैली फट जाए तो पानी का रिसाव होना शुरू हो जाता है, तो गर्भवती महिला खुद से भी जान सकती है कि अगर प्राइवेट पार्ट से पानी का रिसाव हो रहा हो तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, यह एक इमरजेंसी स्थिति है। हो सकता है कि आपकी पानी की थैली फट गई है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि आपका प्रसव का समय नज़दीक आ गया है। नीचे की तरफ बच्चे का भार महसूस होना। यदि महिला को पेट में हल्कापन महसूस हो और नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा भार महसूस हो और गर्भवती महिला को ऐसा लगे कि जब वह खड़ी होगी तो शिशु नीचे गिर जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपका प्रसव का समय नज़दीक आ गया है। और जरूरी नहीं है कि ये लक्षण प्रसव के नज़दीक आने का संकेत हो, क्योंकि आम तौर पे पूरे 9 महीने के दौरान भी गर्भवती महिला को ऐसा महसूस हो सकता है। यूरिन पास करने की इच्छा अधिक होना। गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला को बार बार यूरिन करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन यदि महिला को यूरिन पास करने की इच्छा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो, यानी कि हर 10 से 15 मिनट में बाथरूम जाने की इच्छा हो, तो ऐसा होना भी प्रसव होने का संकेत हो सकता है। गर्भ में शिशु की सही पोजीशन में आना। डिलीवरी का समय पास आने पर गर्भ में पल रहा शिशु अपने जन्म लेने की पोजीशन में आने की कोशिश करता है, और जब शिशु अपने जन्म लेने की सही पोजीशन में आ जाता है तो पेल्विक एरिया पर जोर पड़ता है और महिला को ऐसा महसूस होता है कि बच्चा अब गिरने वाला है। यदि आपको भी ऐसा महसूस हो रहा हो तो समझ जाइए कि आपके नन्हे मेहमान के आने का समय हो गया है। पीठ में असहनीय दर्द होना। दोस्तों वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को पीठ में हल्का दर्द रह सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में अगर गर्भवती महिलाओं को पीठ में जरूरत से ज़्यादा दर्द होने लगे, तो ऐसा होना भी महिला के डिलीवरी का समय पास आने का संकेत हो सकता है। पेट में गड़बड़ी।
यदि गर्भवती महिला को पेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही हो, जैसे कि उसको दस्त लग रहे हो या कब्ज की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो गई हो, तो इसका मतलब है कि बेबी की डिलीवरी होने वाली है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैसे पूरी गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को अक्सर कब्ज की शिकायत रह सकती है, लेकिन अगर आपके प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर आपको लूज मोशन लग जाए, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपका बच्चा इस दुनिया में आने को तैयार है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।